वीवीएल न्यूज की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास के साथ पतंगबाजी के उत्साह से भरा पर्व है। इस पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंगबाजी का ये शौक अब इसलिए खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि पतंगबाज चाइनीज व नायलोन मांजा का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह मांजा ना सिर्फ पतंग बल्कि लोगों की जिंदगी की डोर भी काट देता है। इनसे ना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं। कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के बाद भी आज कई लोग अपने फायदे के लिए खतरनाक मांजा बेच रहे हैं। ऐसे खतरनाक मांजा बेचने वालों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। मुंबई हो या पूरे महाराष्ट्र में कार्रवाई जारी है। शनिवार को नालासोपारा के तुलिंज पुलिस ने संतोष भवन इलाके में छापेमारी मांजा बेचने वाले से हजारों रुपए का प्रतिबंधित मांजा जब्त किया। इससे पहले भी तुलिंज पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ये कार्रवाई सीनियर पीआई शैलेंद्र नगरकर के आदेश पर डिटेक्शन टीम ने की है। आइए जानते हैं इस विषय पर सीनियर पीआई नगरकर ने क्या कहा। औरंगाबाद में 2020 में ये जो प्लास्टिक और सिंथेटिक जो मांजा बनता है उसको पूरी तरह बैन किया है उनके ऑर्डर से, और माननीय डीसीपी एचक्यू से हेडक्वार्टर मीरा भाईंदर इन्होंने भी एक आदेश निकाल कर इस मांजा साथ में रखना, उसका यूज़ करना, इसको बेचना, इसको पूरी तरह प्रोहिबिट किया है। तो हमको आज इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति जो अभी मकर संक्रांति आ रही है उसके लिए ये मांजा बेच रहा है। तो हमारे टीम ने हमारे जो क्राइम डिटेक्शन टीम है उन्होंने उसके ऊपर रेड किया, उसके पास से काफ़ी मात्रा में हमने मांजा जब्त किया है। ये मांजा से कई हादसे हुए, कई आदमियों की जान भी गई है, कई आदमी गंभीर रूप से घायल हुए, और जो पक्षी है जो उनका वो भी काफ़ी उनकी मौत हो जाती है मांजा से। इसलिए ये कार्रवाई करना हमारे लिए आवश्यक लगा, इसलिए हमने ये कार्रवाई की। सर लोगों को क्या संदेश देंगे? अभी मकर संक्रांति आ रही है तो ये मांजा जो है वो बहुत ही घातक है। ये चाकू से भी तेज काटता है ये मांजा। ये मांजा किसी भी पतंग उड़ाते वक्त ये मांजा का प्रयोग ना करें।